ये पता है मेरे हाथ में क्या है, किसी का जॉइनिंग लेटर है। अचानक वो हमको फ़ोन किया और अभी मिलने के लिए आया हमसे। तो ज़्यादा कुछ हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नहीं कर पाए, उन्हीं के द्वारा दिया गया मीठा है, उसी मीठा से हम लोग उसका मुंह मीठा करेंगे। हम लोग के लिए बाद में वो कुछ व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना, जिनका भी ये ज्वाइनिंग लेटर है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के इंस्टीट्यूट से यही आसपास के बच्चे, लोकल बच्चे लोग अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं, वो भी SSSGDCISF का। जूम करके दिखाइए तो तुलसी मुंडा का है। अच्छे मार्क्स लाने के चलते ही इनका अच्छा जॉब हुआ है। CISF होना बहुत बड़ा बात है। GD तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन CISF हर कोई नहीं निकाल पाता है। तो हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे हम तुलसी को बुलाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी रिस्पेक्ट के तौर पे खड़े हो जाइएगा, तालियां बजाइएगा। ओके तुलसी आइएगा, है कि नहीं तुलसी? अच्छा तो आप लोग में से बहुत कोई जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे, फर्स्ट टाइम तुलसी को देख रहे होंगे। कितने कोई जानते होंगे आप लोग? कुछ मतलब कि 20% लोग जानते होंगे क्या? और इन्हीं का सिलेक्शन SSC GD में CISF में हुआ है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हुआ इनका, और ये जॉइनिंग लेटर होता है। तो आप लोग का भी अगर सिलेक्शन होगा तो इसी प्रकार से जॉइनिंग लेटर आप लोग का भी आएगा। इस बार अच्छा मौका है GD में होने के लिए। तो तुलसी हमको फ़ोन किया अभी थोड़ा देर पहले, क्लास ख़त्म होने टाइप से था। तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी नहीं कर पाए, इसका दुख है हमें। लेकिन कभी ऐसा मौका बनेगा उस समय तुलसी को अलग से बुला के कुछ इसके सम्मान के तौर पर एक प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका मुँह मीठा करते हैं, मीठा खिला के। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन तुलसी। थैंक यू सर। और तुलसी को सामने इसलिए बुलाए ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिल सके। ये ज़्यादा दूर का नहीं, यही आसपास का लड़का है और बहुत अच्छा से मेहनत किया और इनका सिलेक्शन आज SSC GD में अच्छे पोस्ट में हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस के अनुसार से हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। अगर हम 5 तक पढ़ा रहे हैं तो आपको 15 तक खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ABCD तक पढ़ा रहे हैं तो आपको तो Z तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सारे चीज़ को एक मतलब 1.5 घंटा क्लास में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, उसको अपने से घर में जाके कीजिए। उसी टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। ज़्यादा तुलसी आप लोग को अच्छे से बताएगा और बहुत ही छोटा में बताना है तुलसी, ठीक है, कि कैसे तैयारी का बस बता दो कैसे, मतलब मिठाई खा लो, ठीक है। अच्छा ध्यान नहीं दिए कि तुलसी के हाथ में मीठा भी था। और अभी हम लोग बात करेंगे कि तुलसी कैसे तैयारी किया और उनका सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, और किस किस सेक्शन में कैसे ध्यान दिया। आप लोग भी सुनिए, हो सकता है कि इसका नौकरी लग गया है तो इसका बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा बात तो डेली सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, इसीलिए तुलसी का बात सुनिएगा तो हो सकता है कि उस पर काम करना शुरू कर दे, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में सुनेंगे क्योंकि तुलसी को भी काम सब होगा अभी बहुत सारा। तो तुलसी इसको पकड़ लेना और तो सब कोई बैठ जाइए, बैठ सकते हैं। और बहुत ही ब्रीफ में एकदम शॉर्टकट में बताना है कि सेक्शन वाइज बताना है, मैथ्स का क्या प्लानिंग था, रीजनिंग को कैसे आप फोड़ डाले और हिंदी को कैसे आप उसको अच्छे से कवर किए। और एक क्या था, हिंदी मैथ्स रीजनिंग और एक तो आपका क्या था, जीके जी। 100 मार्क्स का था ना तुम्हारे समय, तो अभी 80 मार्क्स का हो गया टोटल, 20-20-20 करके। तो फिर हम तो क्या बोलेंगे, रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग थोड़ा सहज ही आता है, तो फिर GK GS तो कठिन ही रहता है, हर कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं। हमें देखे तो मेरा टाइम भी कठिन ही आया था। तो फिर उसके बाद हिंदी और मैथ, वो तीनों का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तो फिर पैटर्न भी चेंज हो गया है तो उसको भी ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिएगा। और रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब आता है, तो फिर ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाता है, इसलिए फिर आप लोग उसमें
20 में 20 भी ला सकते हैं या फिर 18 17 भी लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर बात रहा हिंदी, हाँ हिंदी में भी सेम ऐसा ही है। फिर मैथ थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसमें भी 15 आसपास सही करने का। तो फिर अभी क्वेश्चन सब भी चेंज हो गया है और पैटर्न भी चेंज हुआ है। फिर टाइम मैनेजमेंट उसको सीखिएगा, फिर मैनेज करने नहीं सकेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर वहाँ से निकल के एग्ज़ाम हॉल से निकल के लगेगा कि किए हैं नहीं किए हैं, क्या छूटा नहीं छूटा। तो फिर इसलिए टाइम मैनेजमेंट अभी यहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उससे ही आप लोग सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, मॉक टेस्ट का तो फ़ायदा उठाइए, फिर उसी से पता चल जाएगा आप लोग को कि फिर कितना अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट भी मॉक टेस्ट से ही अच्छे से पता चलेगा, वहाँ अचानक से बैठेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन सबको देख के ही ये अच्छा से तैयारी नहीं किए रहेंगे तो बाउंस होने लगेगा, फिर डर भी पैदा हो जाएगा तो फिर अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से ही अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, वही बोलेंगे। और मॉक टेस्ट कैसे लगाया था तो उसके बारे में, जैसे एग्जाम पहुँचा पहुँची मतलब कितना मॉक टेस्ट जैसे लगाया? मॉक टेस्ट तो हम लगाए होंगे 60-70 तो लगाए होंगे, सुबह शाम, दिन में एक रात में एक, फिर सो जाते थे। एक महीना जैसे तो हम मॉक टेस्ट सिर्फ लगाए थे, सुबह एक, फिर शाम में सोने से पहले एक, फिर सो जाते थे, कुछ नहीं करते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा तैयारी एग्ज़ाम के एक महीना पहले ही कंप्लीट हो गया था, और एक महीना जो भी बचा हुआ था वो टाइम सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए दिए थे। और मॉक टेस्ट में कितना नंबर आता था उस समय से तुम खुद से लिखता था? मेरा हम लेते थे तो फिर 60-70 उतना ही, हाँ उतना आ ही जाता था, एवरेज में 60 बोल सकते हैं, उतना लगभग आ ही जाता था। तो फिर ऑनलाइन वाला सब लिए थे तो फिर आप लोग भी देख सकते हैं, ऑनलाइन वाला में भी अच्छा है, फिर और हाँ टेस्ट, हाँ वहाँ से भी, फिर उसके बाद बुक भी अच्छा ही है। तो फिर हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, समझ में आएगा कि किस तरीके का कितना लेवल का क्वेश्चन सब आता है के। तो सारा विषय में वैसे ही है। फिर रीजनिंग जीके जीएस में है तो फिर करंट अफेयर्स बहुत ध्यान देना होगा, कहे कि आजकल लूसेंट में जितना भी पढ़े हैं वो सब किताब का चीज़ तो कम ही अब आता है, तो फिर इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत ध्यान देना होगा। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो मैथ रीजनिंग हिंदी वो तो किताब का ही आता है, वो कहीं नहीं जाएगा आपका, वो सब फॉर्मूला है ट्रिक है वो सब ही सर अच्छे से पढ़ाते हैं, तो फिर वही सब को अच्छे से समझिए कीजिए तो फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। थैंक यू। तो आप लोग तो ओवरऑल आप लोग तुलसी का बात का क्या निष्कर्ष निकालें कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद बताएं तुलसी कि कम से कम 60-70 मॉक टेस्ट सुबह शाम एक महीना पहले से। आप लोग कितने लोग हैं कि अभी तक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं? कोई भी नहीं। मॉक टेस्ट लगाते बहुत अच्छा, मुक्ति अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट की है, बहुत अच्छा है। आप लोग को भी करना पड़ेगा क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट नौकरी लेने का, इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका ना ये दर्पण है मॉक टेस्ट। कम मेहनत करना पड़ेगा नहीं तो पूरा बुक को तो कोई ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट लगाएगा तो कैसे कैसे सवाल आता है ये पता चलेगा, और टाइम मैनेजमेंट जैसे तुलसी बताया कि यहीं पर करना है, इसलिए जैसे समय ख़त्म हो जाता है तो आपको जमा करना है। आप लोग बोलते हैं रुकिए सर पीछे से लीजिए, वो सब नहीं, टाइम ख़त्म तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहीं से टाइम मैनेजमेंट करना, तैयारी नहीं है ना तो वही क्वेश्चन देखते देखते टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत उस समय एग्जाम में तो एक से ख्याल आने लगेगा, फिर पता भी नहीं चलेगा, सोचने में भी टाइम लग जाता है वहाँ पर। इसीलिए जो भी करना है यहाँ पर मॉक टेस्ट के माध्यम से अपना तैयारी कर लीजिए, और तुलसी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और शायद और भी प्रमोशन सब अगर होगा तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा पोस्ट में चल जाए, और उम्मीद करते हैं कि फिर बीच बीच में आते रहेगा, हम लोग से मिलते रहेगा, और पिकनिक तो इस बार नहीं जा पाएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम
और इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, इस बार हम लोग 8 जनवरी को यहाँ से पांडीपुरिंग जा रहे हैं, और जो कोई भी नहीं जानते हैं वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो उन लोग भी कृपया करके संपर्क कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना हम लोग सहयोग राशि रखे हैं और किस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पांडीपुरिंग जा रहे हैं 8 जनवरी को। सबको एक बार मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक ना, एग्ज़ाम भी पहुंच ही गया है, एक महीना बाद, आई थिंक एक महीना बाद होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर सबको एक बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिए। और इनका सीट ना बहुत, क्या बोले, जिस समय लास्ट ईयर लिखे थे सीट भी बहुत कम था, अभी तो सीट भी बहुत ज़्यादा है, और कम सीट में नौकरी निकालना OBC ISF में बहुत बड़ा बात है। और OB के लिए बहुत चांस है, मतलब अच्छा चांस है, ज़्यादा फाइट भी नहीं करना पड़ेगा, तो फिर इसीलिए अच्छे से कीजिए, फिर यहीं से पता लग जाएगा, अपने में भी पता चल जाता है कि कितना तक पानी में है, तो फिर उसी से भी पता चल जाता है, कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ जाएगा आप लोग का, कि टेस्ट देते हैं उसी से पता चल जाता है कि हाँ होगा नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो फिर मेहनत डबल कर दीजिए, कुछ दिन की बात है, एक महीना, हाँ एक महीना है तो फिर मेहनत डबल कर लीजिए, फिर तो हो ही जाएगा। एक महीना मेहनत कीजिए और जीवन भर आराम से रहिए फिर। यह ज्वाइनिंग लेटर है, जो कोई भी देखना चाहेंगे आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में, ठीक है ना, फिर तुलसी को आप वापस कर देंगे, इसका जेरोक्स ओरिजिनल ही अपने पास रखे हुए हैं, और सोचिए कितना अच्छा लगता होगा तुलसी के नाम पे ज्वाइनिंग लेटर आया है, फिर अभी इसको ले जाएंगे वहाँ पर दिखाएंगे, कितना बड़ा गर्व की बात है क्या, और ज़्यादा दूर का नहीं, अपने ही आसपास का ये लड़का है, और इसी परिवेश में रह के तैयारी करके SSC GD का CISF मतलब क्रैक करना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो तुलसी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन और उज्जवल भविष्य की इसका भी कामना करते हैं, कि अच्छे अच्छे प्रमोशन हो आपका, और जल्दी से प्रमोशन हो और अच्छे पोस्ट में आप जीवन में एकदम आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब आज के लिए इतना है।